नमस्कार दर्शकों, मैं काविन आज इतिहास की एक ऐसी गाथा लेकर आया हूं जिसके बाद आपको भी अपने इतिहास पर गर्व होगा। तो शुरू करते हैं। सिंह सुवन सतपुरुष बचन, कदली फलय एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार फलता है, स्त्री को एक ही बार तेल लगाया जाता है एवं उबटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राव हमीर का हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। आज हम आपको एक ऐसे हठी राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हट के चलते अपना नाम इतिहास के सबसे हठी राजा के रूप में शामिल कर लिया। मैं बात कर रहा हूं हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का जन्म 7 जुलाई 1272 को अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में राजा जैत्र सिंह और रानी हीरा देवी के घर पुत्र के रूप में हुआ था। हमीर देव पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे और चौहान डायनेस्टी में इनका नाम पृथ्वीराज चौहान के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासकों में लिया जाता है। हमीर देव बचपन से ही इतने वीर थे कि इनकी तलवार के एक वार से मदमस्त हाथी का सर उसके धड़ से अलग हो जाता था। इनके एक मुक्के के प्रहार से हष्ट पुष्ट ऊंट जमीन पर बिलबिलाता नजर आता था। इनकी इसी वीरता और शौर्य को देखते हुए राजा जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही 1282 में हमीर देव का राज्याभिषेक कर दिया था। राव हमीर ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से चौहान वंश की रणथंभौर तक सिमटी सीमाओं को कोटा, बूंदी, मालवा तथा ढूंढाड़ तक विस्तृत किया। कहते हैं उन्होंने अपनी हट के कारण दिल्ली के तत्कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक भौड़े सैनिक मोहम्मद शाह को शरण दे दी। हमीर के शुभचिंतकों ने बहुत समझाया पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें रणथंभौर दुर्ग की अभेद्यता पर भी विश्वास था जिससे टकराकर कई लुटेरे वापस लौट चुके थे। कुछ वर्ष बाद जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया। वह अति समृद्ध गुजरात पर हमला करना चाहता था पर रणथंभौर उसके मार्ग की बाधा बना हुआ था, अतः उसने पहले इसे ही जीतने की ठानी। पर हमीर की सधन एवं अनुशासित वीर सेना ने उसे कड़ी टक्कर दी। 11 मास तक रणथंभौर से सिर टकराने के बाद सेनापतियों ने उसे लौट चलने की सलाह दी पर अलाउद्दीन ने कपट नीति अपनाकर किले के रसद वाले मार्ग को रोक लिया तथा कुछ रक्षकों को भी खरीद लिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे पराजित होना पड़ा। कहते हैं कि जब हमीर की सेनाओं ने अलाउद्दीन को हरा दिया तो हिंदू सैनिक उत्साह में आकर शत्रुओं से छीने गए झंडों को ही ऊंचा कर किले की ओर बढ़ने लगे। इसे दुर्ग की महिलाओं ने समझा कि शत्रु जीत गया है, अतः उन्होंने जौहर कर लिया। राव हमीर जब दुर्ग में पहुंचे तब यह दृश्य देख उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। यह दृश्य देखकर उन्हें राज्य और जीवन से विछड़ना हो गई। तब उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना सिर काट के महल में मौजूद उनके आराध्य भगवान शिव के मंदिर पर अर्पित कर दिया। इस प्रकार केवल 29 वर्ष की अल्पायु में 11 जुलाई 1301 को हमीर का शरीरांत हुआ। राव हमीर पराक्रमी होने के साथ विद्वान, कला प्रेमी, वस्तुविद एवं प्रजा रक्षक राजा थे। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य महर्षि शारंगधर की शारंगधर संहिता में हमीर द्वारा रचित श्लोक मिलते हैं। रणथंभौर के खंडहरों में विद्यमान बाजार एवं वस्तुविद नगर, महल, छत्रियों आदि इस बात के गवाह हैं कि उनके राज्य में प्रजा सुख से रहती थी। यदि एक विद्रोही को शरण देने की हट वे ना ठानते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। वीर सावरकर ने हिंदू राजाओं के इन गुणों को ही सद्गुण विकृति कहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इतिहास की गाथाओं को सुनने के लिए आप न्यूज़वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।